नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम कक्षा 8 में पाठ नंबर 8 हंसना मना है। हंसना मना है एक बहुत ही हास्य एवं व्यंग का एक जबरदस्त पाठ है, जिसमें चुटकुले बताए गए हैं। चुटकुले यानी हम जिसको गुजराती में बोलते हैं कि जॉक्स, टुचका, और वो छोटे होते हैं, लेकिन छोटे चुटकुलों में हमें हास्य पैदा, हास्य होता है, और हास्य के कारण हमें तनाव से दूर करने का एक सशक्त माध्यम बताया गया है, जिसे हम हंसना मना है पाठ में आज चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के चुटकुले दिए गए हैं, चित्र भी दिए गए हैं, उसको आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, और उसमें से जो आपको हास्य मिलता है उस हास्य को आपको चुटकुले के माध्यम से समझना है। पहला चुटकुला है, एक चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए देंगे? एक चूहा होता है, वो हाथी के पास जाता है और हाथी के पास जाकर बोलता है कि हाथी दादा, आप अपनी लुंगी मुझे 2 दिन के लिए दीजिए, दोगे? तो हाथी बोलता है, तुम क्या करोगे उसका? तो चूहा बोलता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो ये एक हंसी की बात होती है, हाथी दादा को चूहा बोलता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो ये हास्य पैदा करने वाला चुटकुला है। दूसरा नंबर का चुटकुला है, उसमें 2 चित्र दिए गए हैं, 2 कार्टून बताए गए हैं, एक भाई है और उनके सामने एक दूसरे भाई है, और दूसरे चित्र में भी एक भाई दूसरे भाई को कुछ बोल रहा है। तो पहले चित्र में बताया गया है, लिखा है, पता नहीं लोग महीनों बिना बिना नहाए कैसे रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते, बिना नहाए, नहाए बिना कैसे रहते होगे? तो दूसरा व्यक्ति कहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तो उसमें हंसी होती है कि उससे हमें एक बात मिलती है कि जो दूसरा व्यक्ति है, वो कहने वाला व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं 28 दिन तक नहाता नहीं हूँ। तो दूसरे व्यक्ति एकदम शॉक हो जाता है कि अरे रे रे, व्यक्ति 1 दिन भी नहाया बिना नई चीज चल सकता, तो वो व्यक्ति 28 दिन की बात कर रहा है। तीसरा चुटकुला है, ग्राहक वो दुकानदार के पास जाता है और दुकान में जाकर बोलता है, ग्राहक, कि आपके पास टूथब्रश है जो हम दांत पर सफाई के लिए यूज करते हैं? तो ग्राहक बोलता है, आपके पास टूथब्रश है? तो दुकानदार कहता है, ब्रश नहीं है, पेस्ट है, आपको पेस्ट चाहिए तो दे दूं। ग्राहक बोलता है, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार बोलता है, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक बोलता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार कहे, वह तो कल खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक कहता है, खैर ताला तो होना चाहिए। दुकानदार है बोलता है कि हाँ है। ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप अपने घर जाकर आराम कीजिए। बहुत ही एक आनंद होता है कि एक ग्राहक होता है दुकानदार के पास जाकर बोलता है, सभी अलग अलग चीज मांगता है लेकिन कोई चीज उसके पास होती नहीं है। पहले टूथब्रश मांगता है, फिर पाउडर मांगता है, फिर क्रीम मांगता है, ये सब मांगता है लेकिन दुकानदार के पास ये सब चीजें नहीं होती है। फिर ये दुकानदार के सामने ग्राहक बोलता है कि तो आपके पास ताला है? तो उसने बोला, हाँ ताला है। तो कि ताला लगा दो, आपको ताला लगाने की जरूरत है और घर जाकर आपको आराम करना है। चौथा चुटकुला है, चुन्नू, ये चुन्नू की बात बताई गई है, एक चित्र बताया। देखिए, चुन्नू है, चुन्नू के पास एक व्यक्ति, दूसरा है उसका मित्र, और फिर चुन्नू कहता है, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? तो चुन्नू उसके मित्र को बोलता है, छाता। भावार्थ अलग होता है, बारिश ज्यादा होती है वहां अच्छे पाक होते हैं, अच्छी फसल होती है, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि छाता, छाता तो सामान्य है, ये बारिश होती है तो लोग छाता का यूज करेगा, लेकिन वो
उत्तर अलग जैसे दे देता है तो हास्य पैदा होता है, चुन्नू हंसने लगता है। पांचवा जो चुटकुला है उसमें तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे, तीन मित्र थे आपस में बातें कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। तीन मित्र आपस में बातें कर रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि हम ऐसा हमें पता चले कि हम लखपति हो गए हैं सपने में तो हम क्या करेंगे। एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने उनको ऐसा सुझाव दिया कि हमें हमारे पास लाखों रुपया आ गए तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा एक बोलता है कि हम पेरिस जाएंगे, दूसरा बोलता है कि हम कई अच्छे कारोबार यानी धंधे में रुपया लगाएंगे, तीसरा बोलता है कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और जब तक करोड़पति न बन जाऊं तब तक सोता रहूंगा। तो एक हास्य पैदा होता है, व्यक्ति को संतोष जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो ऐसा बोलता है कि हम लखपति बन जाएंगे, फिर हम करोड़पति बन जाए तब तक मैं काम करता रहूंगा, सोता रहूंगा। जैसे सपनों सपने में कोई लखपति या करोड़पति बनता नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें श्रम करना चाहिए तो कुछ होगा। छठा चुटकुला है उसमें एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति है, फिर दोनों के बीच में बात होती है। देखो भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। तो लड़का बोलता है जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूं। एक लड़के को एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य में क्या हो समझते हो। तो लड़का बोलता है कि मेरे दादाजी भूत थे, मेरे पिताजी वर्तमान हैं, मैं उनका भविष्य हूं। देखिए किसी भी व्यक्ति को हंसी और ठहाका हो जाता है, ऐसी चीजें ऐसे चुटकुलों में आती है। प्रश्न नंबर 7 जो चुटकुला है, प्रश्न करता है रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। एक प्रश्न पूछता है एक व्यक्ति के, रेल का किराया इतना बढ़ता है तो भी यात्रियों की संख्या में क्यों बढ़ावा होता है, वृद्धि हो रही है। तो उत्तर में इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए आज यात्रा कर ली जाए। ये हंसी की बात हो जाती है। एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है कि रेल किराया बढ़ता है तो भी यात्रियों की संख्या में क्यों बढ़ावा होता है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उनको ऐसा डर है कि शायद अगले साल किराया बढ़ जाएगा तो इसीलिए हम इस साल ही यात्रा कर दें। 8वां चुटकुला है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बता रहे थे। एक शिक्षक ने घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए सब विद्यार्थियों को कहा। सभी विद्यार्थियों ने चित्र बना रहते थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। एक कल्पेश नाम का लड़का था, उसने अपना जो पन्ना था वो कोरा छोड़ दिया। शिक्षक ने कल्पेश से कहा कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश कहे घास तो गाय खा गई। शिक्षक तो अच्छा गाय क्या है। कल्पेश कहता है वह तो घास खाकर चली गई। देखिए कितनी एक हंसी भरी बातें बताई गई है कि कल्पेश ने बोला कि उसको चित्र उसने दोरा नहीं था, बनाया नहीं था, और उस चित्र के साथ साथ वो बोल देता है कि घास तो गाय खा गई, फिर गाय कहाँ है तो गाय चली गई। ऐसा प्रश्न का उत्तर देकर एकदम हंसी भरी बातें नजर आती है। फिर चुन्नू की एक बात है, एक चित्र दिया गया है। चुन्नू, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो दूसरा एक व्यक्ति बोलता है क्यों, क्योंकि पापा प्रति चांटा 5 रुपये देते हैं और मम्मी चांटा मारती है तो कुछ नहीं देती, लेकिन पापा तो हमें 5 रुपया देते हैं। ये भी एक हंसी की बात है। तो विद्यार्थी मित्रों इस पाठ में हंसना मना है, हंसना मना है कहा गया है, लेकिन ऐसे चुटकुले हैं जिससे हम हंसे बिना रुक जाएंगे नहीं, हम हंसेंगे क्योंकि ऐसे चुटकुले बताए गए हैं। तो चुटकुलों के माध्यम से एक छोटी बात, छोटी कहानी को बताकर हास्य की घटनाएं यहाँ पर बताई जाती है। तो
तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के चुटकुलों को आपको पढ़ना है और समझना है, और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर जो भी आए वो भी आपको लिखना है। हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद एक एक चुटकुला सुनाना है। कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो, ऐसा प्रसंग भी आपको बताना है। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए, और आपको 5 चुटकुले आपको सुनाने भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ समझ लेना है, पठन करना है, और समझ के इस हंसना मना है पाठ को अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखने हैं, समझने हैं। जय श्री राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।